अब हम एक बात पूछें, हम तुम्हारे हैं कौन? जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अब। 70s और 80s के दशक के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी मासूमियत और एक्टिंग के दम पर फिल्म जगत में अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती। एक ऐसा एक्टर जिसके भोलेपन पर न सिर्फ फिल्म की हीरोइन बल्कि सारा जमाना दिल हार बैठता था। सांवरे की बंसी को बजने से काम राधा का। 70s के दशक में जब फिल्मों में आधुनिकता और बाजारवाद डोमिनेट करने लगा था, उस दौर में भी जब ये एक्टर कुर्ता गमछा धोती पहने बैलगाड़ी पर सवार खेतों में देसी बोली में तान छेड़ते थे तो हर उम्र के दर्शक इनके दीवाने हो जाते थे। गीत गाता चल, गुनगुनाता चल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने 4 साल की छोटी उम्र में अपनी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। रामुदा। क्या है किशन? इसका 1 रुपया मिलेगा। अरे चांदी का है तो इसे खरीद लो ना, मुझे 1 रुपया चाहिए। मेडल मेरा है, परीक्षा में मेरा पहला नंबर आया था ना, इसलिए मेडल साहब ने मुझे ही इनाम दिया था। क्या आप मानेंगे कि महान एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त इनकी कला से इतने प्रभावित हुए कि अपने मरने के बाद भी इनसे किया वादा निभाया। मंगल भवन, मंगल हारी। क्या आपको पता है कि इन्हें खुद से 10 साल छोटी एक टीनेज लड़की से प्यार हो गया था और उनसे शादी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। अच्छा तो वो और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी गोद ली हुई बेटी ने पब्लिकली इन पर कई इल्जाम लगाए थे। अबे ड्रामेबाजी छोड़ और मोटरसाइकिल लेके शरीफ बच्चों की तरह ट्रक में बैठ जा, मुझे देर हो रही है, समझा? तो कौन थे ये एक्टर, क्यों इस भोले भाले दिखने वाले शख्स पर इनकी बेटी ने लगाए थे उसे घर से निकालने के आरोप? जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी अनसुने पहलू। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नदिया के पार के चंदन उर्फ सचिन पिलगांवकर की। सचिन सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी, कन्नड़ और भोजपुरी फिल्मों में भी एक जाना माना नाम है। सुधाचा जोड़ा भाऊ है। खरे संतो? तुमची शपथ। पण तुम्ही आला नाही ते कधी तिच्याकडे? मी सहसा कोणाला सांगत नाही पण तुम्हाला म्हणून सांगतो, तिने त्या फरतूस चंदनुशी लग्न केलेले मला मुळीच पटलेले नाही आहे। 17 ऑगस्ट 1957 में बॉम्बे के एक कोंकणी परिवार में जन्मे सचिन के पिता शरद पिलगांवकर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और साथ ही एक प्रिंटिंग प्रेस भी चलाया करते थे। सचिन जब 3.5 साल के थे तभी मराठी फिल्म मेकर माधवराव शिंदे ने फिल्म सुनबाई में सचिन को एक छोटे से रोल में लेने के लिए उनके पिता से संपर्क किया। किन्हीं वजहों से सचिन को फिल्म तो नहीं मिल पाई लेकिन उनके पिता को सचिन का फिल्मों में काम करने वाला आइडिया पसंद आ गया। वो अपने बेटे को फिल्म में काम दिलाने के लिए दूसरे फिल्म मेकर से बातचीत करने लगे। सचिन को पहला मौका दिया राजा परांजपे ने। राजा 1961 में हा माझा मार्ग एकला नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इसमें 4.5 साल के सचिन को कास्ट कर लिया गया। जिस दिन अपने फिल्म करियर का पहला शॉट देना था उस दिन सचिन 103 डिग्री बुखार से तप रहे थे। उनके पिता ने कोशिश की कि सचिन का शूट पोस्टपोन कर दिया जाए लेकिन चूंकि सारी तैयारियां हो चुकी थीं इसलिए शूटिंग शुरू करनी पड़ी। ताज्जुब की बात ये रही कि जैसे ही शूट के लिए सचिन का मेकअप शुरू हुआ उनका बुखार उतरने लगा। जब तक वो अपनी पहली लाइन बोलने के लिए कैमरे के सामने पहुंचते उनका बुखार गायब हो चुका था। साल 1962 में रिलीज हुई इस मराठी फिल्म के लिए सचिन को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। माही गंगा, माही जमुना, माही तीरथ धाम।
इसके बाद सचिन ने करीब 65 फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इनमें कुछ प्रमुख हैं, मीना कुमारी के साथ मजली दीदी, देवानंद के साथ जूल थीफ, शम्मी कपूर के साथ ब्रह्मचारी और संजीव कुमार के साथ बचपन। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। सचिन जब 9 साल के थे तब महान एक्टर डायरेक्टर गुरु दत्त के ऑफिस से सचिन के लिए फोन आया। गुरु दत्त उनसे मिलना चाहते थे। सचिन अपने पिता के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे तो गुरु दत्त ने कहा कि वो ओलिवर ट्विस्ट को हिंदी में बनाने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके फिल्म में ओलिवर का रोल सचिन करें। उन्होंने सचिन से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। जवाब आया 9 साल। गुरु दत्त ने कहा कि मगर कहानी में ओलिवर तो 11 साल का है। ये सुनते ही सचिन ने पूछ लिया, तो क्या आप फिल्म में किसी और को लेंगे? गुरु दत्त ने बिना कुछ सोचे कहा, नो, आई विल वेट फॉर यू। लेकिन इसके कुछ समय बाद साल 1964 में ही उनकी मौत हो गई। हालांकि जैसा कि गुरु दत्त ने सचिन से वादा किया था, वो जब 11 साल के हुए तो उन्हें गुरु दत्त के छोटे भाई आत्माराम पादुकोण का फोन आया। उन्हें ओलिवर ट्विस्ट के हिंदी वर्जन की स्क्रिप्ट दी गई। उन्होंने जैसे ही स्क्रिप्ट को खोला, पहले ही पन्ने पर गुरु दत्त की हैंड राइटिंग में लिखा था, टू बी मेड विद सचिन व्हेन ही इज 11। खैर, इसके बाद सचिन जब 17 साल के हुए तो उन्हें ऑफर हुई सलीम जावेद की लिखी शोले। फिल्म शोले में सचिन ने इमाम के बेटे अहमद का रोल किया था, लेकिन फिल्म में उनके साथ बहुत बुरा हुआ। फिल्म में गब्बर अहमद को तड़पा तड़पा कर मार देता है। पकड़े जाने से लेकर गब्बर के हाथों मारे जाने तक वो पूरा सीन सचिन के साथ शूट किया गया, जिसमें तकरीबन 19 दिन का समय लगा। लेकिन जब शोले रिलीज हुई तो उसमें ये सीन नहीं थे। सचिन ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि तब उनकी उम्र मात्र 17 साल थी, इसलिए फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी नहीं चाहते थे कि उस बच्चे के साथ स्क्रीन पर ऐसी चीज़ें होती दिखाई जाएं, पता नहीं पब्लिक स्वीकार करे ना करे, इसलिए उस सीन को सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया। सरदार, ये रामगढ़ का छोकरा है, स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया। शोले फिल्म से ही जुड़ा सचिन का एक और दिलचस्प वाकया भी आपको बताते चलें। फिल्म की शूटिंग के दौरान अपना काम खत्म हो चुकने के बाद भी सचिन रोज सेट पर जाते, और जब रमेश सिप्पी शूटिंग करते तो उनके कैमरे के ठीक पीछे जमीन पर चुपचाप बैठकर उनका प्रोसेस देखते। बड़े एक्टर्स को एकोमोडेट करने में व्यस्त सिप्पी ने टेक्नीशियन लोगों की एक दूसरी टीम बनाई। ये टीम कुछ एक्शन सीक्वेंस वगैरह शूट करने वाली थी। इस टीम का क्रिएटिव हेड 17 साल के सचिन को बनाया गया। उनके ही देखरेख में फिल्म शोले का ट्रेन वाला सीक्वेंस शूट किया गया। हर सीन को परफेक्ट बनाने के लिए उसे कई बार शूट करने वाले सिप्पी ने जब वो शॉट देखा तो सचिन से बहुत इम्प्रेस हुए और उस सीन को जस का तस अपनी फिल्म में रख लिया। आम तौर पर ये देखने को मिलता है कि चाइल्ड एक्टर्स का करियर बड़े होने के बाद ढलान पर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें पब्लिक से लेकर फिल्म मेकर्स तक ने बच्चे की तरह देखा। उन्हें फिल्म के हीरो के तौर पर देख पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। सचिन वाले दौर में राजू श्रेष्ठा, अलंकार जोशी, जूनियर महमूद और मास्टर सत्यजीत जैसे तमाम चाइल्ड एक्टर्स काम कर रहे थे। उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया, लेकिन जब बड़े हुए तो इक्का दुक्का फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिला और फिर काम खत्म। लेकिन सचिन के साथ ऐसा नहीं हुआ। बड़े होने पर भी रोमांटिक फिल्मों के लिए वो निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बने। राजश्री प्रोडक्शन के राजकुमार बड़जात्या ने सचिन की एक मराठी फिल्म देखी, अजब तुझे सरकार। उन्हें सचिन का काम पसंद आया और वो सचिन के साथ प्रेम और दोस्ती के इर्द गिर्द एक फिल्म पर काम करना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले सचिन को साइन किया, उसके बाद उनके लायक कहानी ढूंढी गई। इस कहानी पर गीत गाता चल नाम की फिल्म बनी। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले सचिन के पिता शरद पिलगांवकर और मधुसूदन कारलेकर ने मिलकर लिखा था। सचिन, सारिका और मदन पुरी के साथ बनी ये फिल्म म्यूजिकल हिट रही। फिल्म में म्यूजिक और लिरिक्स दोनों ही रविंद्र जैन का था। इस फिल्म की सफलता के बाद आगे भी सचिन ने राजश्री प्रोडक्शन के साथ कई और हिट फिल्मों में काम किया। सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी मंगल भवन अमंगल हारी। इस
इसके कुछ साल बाद 1982 में केशव प्रसाद मिश्रा की ट्रेजडी नॉवल कोहबर की शर्त से प्रेरित होकर राजश्री प्रोडक्शन ने एक फिल्म प्लान की। इस फिल्म का नाम रखा गया नदिया के पार। सचिन, साधना सिंह और इंद्र ठाकुर को मुख्य किरदारों में लेकर बनी ये फिल्म बिहार और यूपी बेल्ट में बहुत बड़ी हिट रही। नदिया के पार की रिलीज के 10 साल बाद राजश्री ने इस फिल्म का रीमेक बनाया। ओरिजिनल फिल्म के एक डायलॉग पर नई फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन रखा गया। अब हम एक बात पूछें, हम तुम्हारे हैं कौन। माधुरी दीक्षित और सलमान खान की ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। हम आपके हैं कौन। एक हीरो के रूप में सचिन की सफल हिंदी फिल्मों की लिस्ट में गीत गाता चल, बालिका वधू, आंखियों के झरोखों से, गोपाल कृष्ण, नदिया के पार और सत्य पे सत्ता रही। फिल्मों में हरफन मौला प्रदर्शन के साथ ही सचिन ने फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा। 1982 में आई मराठी फिल्म माय बाप डायरेक्टर के तौर पर सचिन की पहली फिल्म थी। आगे सचिन ने 15 से ज्यादा मराठी फिल्में डायरेक्ट कीं। मराठी फिल्मों में बतौर डायरेक्टर सचिन की सफलता को देखते हुए सुभाष घई ने उन्हें अपनी प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स के तहत हिंदी फिल्म डायरेक्शन डेब्यू करने का मौका दिया। फिल्म का नाम था प्रेम दीवाने। इसमें जैकी श्रॉफ, विवेक मुशरान और माधुरी दीक्षित ने लीड रोल्स किए थे, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। कुछ एक हिंदी फिल्में और बनाने के बाद सचिन वापस मराठी सिनेमा की ओर लौट गए। 2017 में सचिन ने गोविंद निहलानी की फिल्म के लिए एक गजल लिखा। गोविंद की मराठी फिल्म ती आणे इतर में उन्होंने बादल जो घिर के आए नाम का एक गजल लिखा। ये गीतकार के तौर पर उनका पहला काम था। इस गजल को उन्होंने शफक के उपनाम से लिखा था। आह को चाहिए एक उम्र असर हो। आइए अब आपको बताते हैं सचिन और उनकी पत्नी सुप्रिया की मुलाकात और इश्क की रोचक कहानी। सचिन अपनी दूसरी मराठी फिल्म नवरी मिले नवरालिया बनाने जा रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश थी। उनकी तलाश नई नई आई सुप्रिया सबनिस नाम की लड़की पर आकर रुकी। फिल्म की शूटिंग के दौरान सचिन को सुप्रिया से प्रेम हो गया। प्रेम तो हुआ, लेकिन इजहार करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फाइनली फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद सचिन हिम्मत जुटाकर उम्र में खुद से 10 साल छोटी सुप्रिया को अपने दिल की बात बताने पहुँचे। उन्होंने सुप्रिया से शादी के लिए पूछा। जवाब में सुप्रिया ने कहा कि मुझे लगा कि आपकी शादी हो चुकी है, मगर वो शादी के लिए मान गईं। जैसे ही ये बात सुप्रिया के घर वालों को पता चली तो उन्होंने शादी से सीधे सीधे इनकार कर दिया। वजह ये थी कि सुप्रिया तब सिर्फ 17 साल की थीं और कॉलेज में पढ़ रही थीं। काफी मान मुनवल के बाद दोनों के घर वाले राजी हुए। नवरी मिले नवरालिया सुपरहिट साबित हुई और इसके ठीक अगले साल 21 दिसंबर 1985 को सचिन और सुप्रिया ने शादी कर ली। सचिन और सुप्रिया की एक बेटी हैं श्रिया पिलगांवकर। माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए श्रिया भी एक एक्ट्रेस बनी। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म फैन से अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया था और अमेजॉन प्राइम की चर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर में स्वीटी के रोल में भी उन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया। तुम्हें को ले जाना पिक्चर दिखाने, कॉलर शीट पकड़ लेना और उनकी गोदी में बैठ जाना। मुन्ना भैया प्यार से कह रहे हैं तो बहुत उड़ रही हो। अभी सैंडल से मारेंगे तुमको हील वाली साइड से, समझे, और बंदर की तरह मुंह लाल कर देंगे तुम्हारा। आइए अब आपको बताते हैं सचिन की जिंदगी से जुड़े एक बड़े विवाद के बारे में। अपनी बेटी श्रिया के जन्म से पहले सचिन और उनकी पत्नी सुप्रिया ने साल 1988 में एक बच्ची को गोद लिया था। बच्ची का नाम था करिश्मा मखनी, जो फिल्म आत्मविश्वास में चाइल्ड एक्टर के रूप में नजर आई थी। लेकिन कुछ सालों बाद करिश्मा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास वापस लंदन चली गईं। बड़े होने पर करिश्मा भारत वापस आईं और फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस किस्मत आजमाने लगीं। साल 2005 में सचिन और सुप्रिया ने रियलिटी शो नच बलिए जीता और शो के ही दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी गोद ली हुई बेटी करिश्मा को उसके बायोलॉजिकल फादर कुलदीप मखनी चुपके से लेकर चले गए थे। ये खबर जब मीडिया में सुर्खियां बनी तो करिश्मा मखनी सामने आई और एक इंटरव्यू देकर सारी सच्चाई से पर्दा उठाया और सचिन पर कई सारे इल्जाम भी लगाए। करिश्मा ने बताया कि उनके पिता कुलदीप मखनी और सचिन फैमिली फ्रेंड्स हुआ करते थे। करिश्मा की मां बीमार रहने लगी थी और अपनी बेटी की देखभाल के लिए कुलदीप ने उसे सचिन और सुप्रिया के पास रहने को भेज दिया। उस वक्त सचिन सुप्रिया की कोई औलाद नहीं हुई थी तो उन दोनों ने करिश्मा को अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन यह कोई लीगल अडॉप्शन नहीं था।
फिर कुछ सालों बाद करिश्मा की बायोलॉजिकल मदर ठीक हो गई और अस्पताल से वापस घर आ गई। तब तक सचिन सुप्रिया की भी अपनी एक बेटी हो गई थी जिनका नाम श्रिया था। इसके बाद सचिन ने करिश्मा को बोला कि वो उनका घर छोड़ अपने असली माँ बाप के पास चली जाएं, और करिश्मा ने वैसा ही किया। जब करिश्मा बड़ी हुई तो बॉलीवुड में किस्मत आजमाने वापस इंडिया आईं और सचिन के घर में रहने लगीं। लेकिन सचिन सुप्रिया का बर्ताव उनके साथ पहले जैसा प्यार भरा नहीं था, और सचिन को ये भी लग रहा था कि करिश्मा उनका नाम इस्तेमाल कर फिल्मों में काम पाना चाह रही हैं। और सचिन ने दूसरी बार भी करिश्मा को अपने घर से चले जाने को कहा। अगर वो मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं तो 98 से मेरे से कॉन्टैक्ट क्यों नहीं रखा। वैसे इन इल्ज़ामों पर सचिन ने कभी कोई सफाई नहीं दी, लेकिन जाहिर है कि करिश्मा के लगाए इन इल्ज़ामों से सचिन की भोली भाली छवि पर उनके फैंस ने सवाल ज़रूर उठाए थे। खैर, सचिन फिल्मों में अब भी पूरी तरह एक्टिव हैं। वो मराठी और हिंदी दोनों ही इंडस्ट्रीज़ में बतौर एक्टर काम कर रहे हैं। 2018 में रानी मुखर्जी के साथ उनकी हिंदी फिल्म हिचकी और स्वप्निल जोशी स्टारर मराठी फिल्म रणांगन भी रिलीज़ हुई थी। 2019 में वो हॉटस्टार की वेब सीरीज माया नगरी सिटी ऑफ ड्रीम्स में भी नजर आ चुके हैं। एज अ डायरेक्टर उनकी आखिरी मराठी फिल्म थी अशी ही आशिकी, जो 2019 में रिलीज हुई थी। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल अपनी होस्ट वेदिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।